चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 पे जो हाल ही में जारी किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया है, जिसमें स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष नवाचार में दुनिया में अग्रणी देश बना हुआ है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का यह अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पिछले 7 वर्षों में भारत 41 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर इस रैंक पे पहुंचा है। इस रैंकिंग में भारत 2021 में 46वें, 2015 में 81वें स्थान पर था। रैंकिंग में अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड के नंबर 1 पर बने रहने के कारणों की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड देश लगातार नवाचार के क्षेत्र में अच्छे प्रयोग करता रहा है, जिसके कारण से वह पिछले 12 वर्षों से नंबर 1 बना हुआ है। स्विट्जरलैंड विश्व स्तर पर नवाचार आउटपुट में अग्रणी रहा है, साथ ही विशेष रूप से मूल सॉफ्टवेयर खर्च उच्च तकनीक निर्माण में भी अव्वल है। स्विट्जरलैंड सॉफ्टवेयर उत्पादन और निर्यात जटिलता में भी प्रभावी रूप से अन्य देशों से कहीं आगे है। अगर हम टॉप 5 देशों की बात करें जो पहले स्थान पर रहे हैं, उसमें सबसे पहले स्विट्जरलैंड है, उसके बाद यूएसए दूसरे नंबर पे है, तीसरे स्थान पे स्वीडन है, चौथे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, 5वें स्थान पे नीदरलैंड है। भारत की इस रैंकिंग में अगर स्थिति की बात करें, जिसमें सुधार भी देखा गया है, तो देश में सरकार के द्वारा नवाचार के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के प्रभाव आज इस रैंकिंग में दिख रहे हैं। भारत आज टॉप 40 में शामिल हो गया है। भारत इस सूची में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष पर है। भारत के बाद ईरान दूसरे स्थान पर है। यह नीति आयोग के नवाचार प्रोग्राम, अटल इनोवेशन प्रोग्राम और भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य प्रौद्योगिकी पहलों का परिणाम है। भारत निम्न मध्यम आय वर्ग यानी कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में प्रथम स्थान पर है। भारत ICT सेवाओं के निर्यात में दुनिया में अग्रणी है। भारत अन्य संकेतकों में शीर्ष रैंकिंग रखता है, जिसमें उद्यम पूंजी प्राप्ति मूल्य, स्टार्टअप और स्केलअप के लिए वित्त की उपलब्धता, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक, श्रम उत्पादकता वृद्धि और घरेलू उद्योग विविधीकरण शामिल हैं। निम्न मध्यम आय वर्ग में वियतनाम दूसरे और ईरान तीसरे स्थान पर है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 थीमेटिक यानी कि विषयगत फोकस पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 का थीमेटिक फोकस नवाचार संचालित विकास के भविष्य पर केंद्रित है। ग्लोबल इनोवेशन 2022 दो नवीन नवाचार संभावनाओं को दर्शाता है। पहला, सुपर कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन एक डिजिटल युग है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादकता प्रभाव डालने के कगार पे है। दूसरा, जीव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और अन्य विज्ञान में सफलताओं पर निर्मित एक गहन विज्ञान नवाचार वेव, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण 4 क्षेत्रों स्वास्थ्य, भोजन, पर्यावरण और गतिशीलता में नवाचारों में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। अब हम देखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जिसका गठन वर्ष 1967 में किया गया था। इसका गठन बौद्धिक संपदा के संरक्षण और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रति वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट.